हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल किचन 9 में। तो आलू मेथी की आपने सब्जियां तो कई बार खाई होगी, आज आप ये ट्राई करें आलू मेथी की ये भुजिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिए हैं कढ़ाई में। अच्छे से कढ़ाई गर्म होने दें। मैंने सरसों का तेल लिया है दोस्तों। तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। इसमें मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ जो बारीक काट लिए थे, फिर मैं उसे डाल रही हूँ दोस्तों। अच्छे से मिक्स करें इसे, आप हल्के ब्राउन होने तक इसे भूनें। ये आलू मैंने मेथी के लिए कट्स कर लिए हैं। ये लहसुन मेरे गर्म हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्च डाले हैं। और ये मेरे 1 पाव आलू थे, इसे मैंने बारीक कट्स कर लिए हैं दोस्तों। क्योंकि मैं भुजिया बना रही हूँ इसीलिए इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटें आप। फिर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर अच्छी तरह से भूने। आलू मेथी की भुजिया बनाने से आपको ये मेथी कड़वी नहीं लगेगी दोस्तों। ये आलू हमारे भून चुके हैं दोस्तों। अब मैंने इसमें 250 ग्राम मेथी लिए हैं बारीक साफ किए हुए, और इसे छोटे छोटे कट्स कर लिए थे मैंने। अब मैं इसे डाल रही हूँ। डाल के फिर अच्छी तरह से भूने इस मेथी को भी। फिर मैंने 2 टमाटर लिए थे, अब मैं उसे कट्स करके मैंने इसे भी डाल दी हूँ। ये आपकी बहुत ही कम मसालों में ये बनने वाली भुजिया है, जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे दोस्तों। और ये आपको कड़वी भी नहीं लगेगी। ये हमारे मेथी के भुजिया लगभग तैयार हो चुके हैं। आप इसे अच्छी तरह से सुखा के भून ले पूरी तरह से, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। आप इसे अच्छी तरह से मिलाएं और बहुत ही कम समय में ये बन जाएंगे आपके भुजिया। फिर अच्छी तरह से आप भूनते रहें इसे, जब तक इसके पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये आपकी आलू मेथी की भुजिया तैयार है। थैंक यू।